बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई है। टीकमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुओं के बाप में दम होगा तो हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में 125 बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब देश के अन्य जाति और संप्रदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और उनके पूर्वज भी यहां रह रहे हैं, इसलिए देश मुसलमानों का भी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि भारत एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए ताकि देश में सांप्रदायिक झगड़े बंद हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करे, जिससे भारत जल्द हिंदू राष्ट्र बन सके। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक और मनोज खरे की रिपोर्ट। से प्रार्थना कर रहे हैं, आप करवा दो। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा क्या? पलायन के लिए वर्तमान में हमारे बुंदेलखंड, देखो हम भाई कोई पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं है, राम 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 राम। इस पर भी कार्य करेंगे हम आपको एक बहुत अच्छी, आज तक हमने बताया नहीं मीडिया पर, आपने बात बोली है तो हम बता भी देते हैं। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक एक यात्रा निकाले और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, ना हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं, जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है वो हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं और संविधान 25 अनुच्छेद के अनुसार रख सकते हैं, बोलने का अधिकार है हमको। तो हम किसी सरकार से कोई मांग, बिल्कुल महाराजा के ऊपर हिंदुस्तान का मीडिया आपको लाइव दिखाता है, पूरा कवरेज करता है, उसके संबंध में आपका क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और हृदय से भावना है कि अगर कोई सत्य दिखाता है तो हम तो कुछ हमारे पास है नहीं, हम तो ऋषि परंपरा के एक साधारण से तुच्छ से दास हैं। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखता है उसका विवेक ऐसा ही बना रहे। समाज बनाने के लिए जो प्रयास किया है, सबसे पहले तो उसके लिए साधुवाद। एक युवक 6 महीने से घर में इतना तांडव करता था शराब पी के, और आपके आश्रम में एक बार गया, वो उसने शराब छोड़ दी, मद्यपान छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दी। तो महाराज जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि आप अपने मन से अगर व्यसन मुक्ति का आह्वान करेंगे तो बुंदेलखंड के घर घर में जो व्यसन मुक्त लोग हो जाएंगे और लोगों का जीवन संवर जाएगा। एक बात हम पूरी बोले इनकी बात पर, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी, और हम आपको बता दें कि हमारे संकल्प सदैव से हमेशा से सनातन के लिए और समाज हित के लिए लिए रहे, किसी विशेष वर्ग या पंथ के लिए नहीं रहे। दूसरी बात, जो भी कार्य हमने गुरु प्रेरणा से किया, अपनी तो कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो जो भी करते बालाजी की सामर्थ्यता से करते हैं, लेकिन उसके पीछे केवल और केवल प्रत्येक मानव का हित छिपा हुआ है। आप हमको बांट रहे, ये आपकी सोच है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, ये आपकी सोच है। आपकी मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि 125 कन्या विवाह में मात्र 2 सामान्य वर्ग की बेटियों का विवाह हुआ है, बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेटियों का विवाह करवाया है और पिछड़ा वर्ग की। अब इसके बावजूद भी अगर कोई हमको बांटे, इस देश का दुर्भाग्य और कुंठित मानसिकता का परिचय है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम जातिवादी नहीं है, इसीलिए सबरी माता की कथा करते हैं और इसीलिए हम वनवास में वनों में जाकर के आदिवासियों को जगाते हैं। हम जातिवादी नहीं है, हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले में से एक हैं, इसीलिए हम किसी भी विशेष जाति की बात ना करके सिर्फ मानवता की बात करते हैं। और हमारा हिंदू राष्ट्र से, आपको सुनकर के चौंक जाएंगे, हिंदू राष्ट्र से हम प्रतिदिन लाखों गालियां खाते हैं,
हिंदू राष्ट्र के नाम पर। इसमें हमारे बाप का नहीं कुछ भला होना है, ना हमारा भला होना है, लेकिन एक एक हिंदू का भला होना है। उसी प्रकार जो नशा मुक्ति का अभियान है वो हमारा केवल निजी हित के लिए नहीं है, हमारी व्यासपीठ बागेश्वर पीठ का सिर्फ संकल्प ये है कि पूरे भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और एक एक व्यक्ति सुधर करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपनी अपने जीवन की कुछ अंश सहयोग कर पावे और उसका घर समृद्ध हो, उसकी जीवन उन्नति हो। देश में महाराज जी आपके द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा है और कंप्रोमाइज किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ना तो हम उस विषय में दूर दूर तक, ना हमें उस विषय से कोई लेना देना, तो वो उनका उनका निजी विषय। कानून अपना कार्य कर रहा है और सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत हो, सत्य की जीत रहेगी। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को तो नाम चाहिए, अब वरना फिर आपका मोबाइल और आपकी टीवी और न्यूज कौन देखेगा अगर बागेश्वर धाम का नाम नहीं जुड़ेगा। सर, मौलाना तौकीर रजा ने कहा है हिंदुत्व की बात अच्छी है लेकिन हिंदू राष्ट्र किसी के बाप की ताकत नहीं है कि तू बना। ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गाँव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया है। खैर, उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया है। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप की बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसके बाद से आगरा के एक मस्जिद प्रबंधक ने कहा है कि बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहे, इस पे आप क्या? कुछ नहीं, उनका निजी मत है, उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में ना आ जाए, ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है, और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवें। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे, और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, रामकथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं, दो तीन जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। जब तक प्राण है राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक हिंदू हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होगा? सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना, और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पठय पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर रखना। आप सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, सनातनी एक हो जाओ, सनातनी शब्द है क्या? ये सनातनी मतलब जो आदिकाल से है, सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व और राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है, सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा, सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है, सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक, सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातनी। महाराज जी, मध्य प्रदेश सरकार गौशालाएं बनवा रही है और वहाँ पे गऊ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, गऊ उसमें कई मर रही है गैया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई वो देख रेख नहीं कर रही। क्या कहते हैं, ये बात पिछली बार भी कही थी, कुछ भी लागू तो नहीं, कहने से कोई मतलब नहीं निकलना है। हमारे उस सूत्र को आप पकड़िए जो हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने दिया, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। महाराज जी, आपने महाराज जी इसी से जुड़ा होनी चाहिए, हम सपोर्ट में।
और शराबबंदी के सपोर्ट में, अगर ये बहन जी कर रही है उसके फुल सपोर्ट। अभी मौलाना मदनी ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि ओम ही अल्लाह है, सर्व धर्म मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि ओम ही अल्लाह है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? कुछ नहीं, उनको भी सनातनी याद आ रहा है। देखो भाई, आपकी मीडिया से हम कह दें, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रखे, अब मीडिया पर क्या बोल रहा है वो उसकी मजबूरी है, टीवी पर बोलना, लेकिन वो भी अगर हृदय पर हाथ रख कर के पूछे ना तो उसकी रगों में भी रामकृष्ण का खून बह रहा है, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ओम या जो भी लिया है, सच ये है कि वो भी सनातनी है। स्वामी जी, एक और पूछना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे, छत्तीसगढ़ की कथा वाचक यामिनी साहू का संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने विरोध किया था कि उसको गोली मार देना चाहिए, एक शूद्र को कथा करने का अधिकार नहीं है और इसे व्यासपीठ मान्यता नहीं देती है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, भगवान की कथा का प्रचार करने का, भगवान की धर्म का प्रचार करने का, सनातन का प्रचार करने का अधिकार प्रत्येक समुदाय को है, लेकिन अनुष्ठानात्मक विधि के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन, जो शास्त्रोक्त विधि और पद्धति हमारे ऋषियों ने बनाई है, उसका अनुकरण करना भी प्रत्येक भारतीय सनातनीय व्यक्ति का धर्म है। शास्त्र में आया है, यज्ञोपवीत धारी ही अनुष्ठान व साप्ताहिक अनुष्ठान को कर सकता है व्यासपीठ पर, बाकी प्रवचन का अधिकार और धर्म के प्रचार करने का अधिकार सबको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।